बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पानी वाले पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने 1 कप बेसन का लिया है, ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर लिया है। अब मैं बेसन को पहले छान लूँगी। बेसन को हमेशा छान के लिए, ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े से गुठलियां सी बनी हुई है, इस तरह करके छान लेंगे तो फिर गुठलियां नहीं रहेंगी। जीरा पाउडर, नमक, चिली पाउडर थोड़ा सा मिक्स करूंगी। हसबे जरूरत पानी यूज करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा सख्त होना चाहिए, थोड़ा सा और डाल दूंगी। इसको इस तरह मैं फेंटूंगी 5 मिनट के लिए। 1/2 टीस्पून में इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी, वो मैं बाद में डालूंगी, पहले इसको 5 मिनट के लिए मैं इस तरह फेंट लूंगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको बीट कर लिया है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए और करूंगी। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख लूंगी, फिर 5 मिनट के बाद हम इसको बनाएंगे। अब मैं इसके लिए पानी बनाऊंगी। पानी बनाने के लिए मैंने ये चटनी ली है, सॉस है ये इमली का, वो डालूंगी 1/2 कप है। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चटनी ली है। ये थोड़े से आनियन में यूज करूंगी ऊपर डालने के लिए, थोड़ा सा धनिया। अब मैं पहले इसमें ये सॉस डाल दूंगी। चिली फ्लेक्स डालूंगी, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है ग्रीन चटनी की। अब इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छी तरह से करके, इसको भी मैं साफ कर दूंगी। इसमें मैं 2 कप पानी के डालूंगी, डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब पानी मेरा रेडी है। अब मैं जो पकोड़े बनाने हैं मैंने, वो मैं उसको फ्राई करती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं स्पून के साथ इसका डाल दूंगी, हाथ से भी आप डाल सकते हैं जिस तरह आप चाहें।
मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हम सारी डाल देंगे। मीडियम पे इसको मैं 15 मिनट के लिए, 10 टू 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। मैं इसको टर्न करूंगी। अब 4 से 5 मिनट और लगेंगे इसको फ्राई होने में, फिर मैं इसको निकालूंगी। अब मैं इसको निकालूंगी। इसी तरह से बाकी भी मैं बना लूंगी। अब मैं ये वाले पकौड़े इस पानी में डाल दूंगी। आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जितना आप डालना चाहें। मेरे पानी वाले पकौड़े रेडी हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।